कौन है ये उल्लू टीवी, कौन है ये राजीव तलवार, कहाँ से चलकर आए हैं घुसी लोकसभा में? राजीव तलवार उर्फ उल्लू टीवी उर्फ उल्लू टीवी देखा जाता है किसी के नाम से ये प्रसिद्ध फेमस है, ज्यादा इन्हें उल्लू टीवी के ही नाम से जानते हैं, बाद में रहे राजीव तलवार। फिलहाल इन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या इनके गठन रहेंगे, क्या ये कहना चाहते हैं, किस तरह से विकास चुनाव लड़ेंगे, तो हम जाहिर इनसे रूबरू होते हैं। जी सर, पहले तो आपका हिंदी डेट में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राजीव तलवार को देखा और हमसे बातचीत करने के लिए आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो अपना परिचय दे दें। राजीव तलवार, आजमगढ़, उल्लू टीवी। उल्लू टीवी, बड़ी चर्चाएं हैं आजमगढ़ में, चर्चा थी वो चर्चाएं अब उठ के मऊ जनपद में आ गई है, इसको किस नजरिया से देखते हैं? बड़ा मजा आ रहा है, मतलब अब मुझे लग रहा है कि आजमगढ़ प्रशासन ने पर्चा खारिज करके मेरे ऊपर उपकार किया है। अगर यहाँ से मैं चुनाव 99% लग रहा है कि मैं लड़ूंगा, चुनाव चिन्ह मिलेगा, बहुत मजा आएगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर्चा क्यों खारिज किया? अब वहाँ के प्रशासन ने कहा कि आपने यहाँ साइन नहीं किया है, तो मैंने कहा कि क्या मैं चुनाव लड़ पाऊंगा, तो बोले नहीं, बस मैं तुरंत वहाँ से हट गया। तो मतलब कोई लेके निकाल के आपका चुनाव भी हो कर दिया गया? चलिए तो अच्छा, अब मुझे नहीं खलना। तो अब मऊ जनपद में आए हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र, अपने नामांकन दाखिल किया, कैसे सीट में दाखिल किया? एक सीट में दाखिल किया, मजा आ गया। मजा आ गया मतलब मजा आ गया, लग रहा है कि मेरा पर्चा खारिज नहीं होगा और मैं चुनाव लड़ पाऊंगा लग रहा है। तो आपने इतना वहाँ पे अति उत्साहित होकर के आपने लोगों को बयान दिया, जनता के बीच में रूबरू हुए, पत्रकारों से भी रूबरू हुए, अधिकारियों से भी रूबरू हुए? नहीं, उत्साहित अति उत्साहित नहीं, वो मेरा काम करने का तरीका है, वो मेरी स्टाइल है। वो जो बात करने का तरीका आपकी स्टाइल है, जो क्या वजह है कि आपको आजमगढ़ से ₹300-250 लोग फॉर्म खरीद रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, तो वहां से तो मुझे लगा कि क्या जरूरत है, इसलिए मऊ नजदीक है, मऊ आ गया, फायदा भी मिला, लग रहा है कि मैं चुनाव लड़ पाऊंगा। अच्छा, लड़ रहे हैं, विकास करेंगे, विकास 140 करोड़ लोग, जिन्हें विकास विकास विकास, इसे मेरे पापा शिक्षक को पता है, आपको पता है? एक बताएं, राइट टाइम आई विल सही पे मैं बताऊंगा, अभी नहीं। तो जब चुनाव का ये होने का समय है, जाता नहीं है, मरे हुए लोग हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, हमको मत दीजिए, क्या करें, तो हम वोट पाने के लिए चुनते हैं, हमको इससे 500 फिर कोई आदमी का कोई एक विधायक सांसद पर मुख्यमंत्री पर होता है, कभी आपने अधिकारी से पूछा? कभी आपने नहीं पूछा, चर्चा करिए, मंत्री एक विधायक पर इतना पैसा खर्च होता हो, उसके बदले में ये लोग करते क्या है, एसी कमरे में बैठ के केवल दलाली कर रहे हैं, केवल दलाली, कमीशन खोरी कर रहे हैं, 30% कमीशन बंदरबांट कर रहे हैं, और इस देश का लोग कह रहे हैं मोदी जी। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, नामांकन प्रत्याशी कर रहे हैं, आज नामांकन का आज आखिरी दिन था, इस क्रम में आज आजमगढ़ से चल के आए राजीव तलवार उर्फ उल्लू टीवी उर्फ उल्लू टीवी देखा जाता है किसी के नाम से ये प्रसिद्ध फेमस है, ज्यादा इन्हें उल्लू टीवी के ही नाम से जानते हैं, बाद में रहे राजीव तलवार। फिलहाल इन्होंने आज नामांकन, बहुत जरूरी है, और इस देश के बच्चों को सोचना चाहिए, तो राजीव तलवार जरूरी तलवार पत्रकार मंत्री विधायक सब लोग चर्चा करिए यार, राजीव तलवार का चुनाव जीतना देश के लिए बहुत जरूरी है। तो बड़ा सवाल ये आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर और राजीव राय जुबानी छंग चल रही है, एक दूसरे पे जुबानी, जैसे देखा जाए तो उल्टे पलटे बयान आ रहे हैं, एक सवाल करता है एक जवाब देता है। अच्छा ये बताइए, बोलने वाला नेता होता कि मेरी तरफ पसीना बहाने वाला नेता बनना चाहिए, दिन रात राजीव तलवार पसीना जा रहा है, कई बार ओम प्रकाश राजभर जेल गए, राजीव राय कई बार जेल जाएंगे, आपके लिए किस अधिकारी से बात कर पाएंगे, आपकी परेशानी, हाँ ऐसे लोग आपकी मौत के बाद आएंगे, ऐसे लोग चुनाव में नजर आएंगे और आपकी मौत के बाद आपके घर पहुंचेंगे, आपकी परेशानी में काम नहीं आएंगे, आप तय करिए, आप लोग तय करिए। ओम प्रकाश राजभर कहते दो मुहा नेता साफ होते हैं मैं इस बारे में कुछ नहीं कर, उनको जो बोलना है बोले, हम बोलने में नहीं कर्म में विश्वास करते हैं, और राजीव तलवार बोल नहीं कर रहा है, लगातार 2009 से पसीना बहा रहा है, और राजीव तलवार के प्रश्नों का जवाब दुनिया में नहीं है, सोचिए मैं वहां जाके जब प्रश्न करूंगा मोदी था उसे या फिर किसी से पूछूंगा जी कि मेरे प्रश्नों का जवाब किसी के पास नहीं होगा, सोचिए वो दृश्य कितना अच्छा होगा।
है कोई सांसद विधायक? सांसद जब पहुंचेंगे संसद भवन में हिला देंगे, तो आप हिला देंगे एकदम पूरा देश, मतलब मजा आ जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बड़े प्रशंसित नजर आ रहे हैं, लग रहा है हम भाई चुनाव लड़ने का मौका मिलने वाला है, मुझे मजा आ रहा है। चुनाव लड़ना जरूरी है, मेरा सांसद बनना जरूरी नहीं है। तो अब तो लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं घोसी से, लगातार मऊ जनपद में आएंगे आप, लगातार लोगों का एकदम आऊंगा, रोज आऊंगा, सुबह शाम आऊंगा। फेसबुक ट्विटर में मेरा चुनाव प्रचार, वोट भले आप राजभर को दीजिए, राजीव राव को दीजिए, किसी को दीजिए, लेकिन मेरा चुनाव प्रचार करिए, मेरी चर्चा करिए। तो 4 जून किसके नाम रहेगा? 4 जून को जितने नेता पैदा होंगे उसमें एक राजीव तलवार का होना जरूरी है या नहीं, बस आप चर्चा करिए और पूरी ईमानदारी से, और चर्चा करेंगे तो ये चुनाव राजीव तलवार जीत जाएगा, घोसी इतिहास रच देगा। तो ये थे हमारे साथ राजीव तलवार उर्फ राजीव तलवार को ये उल्लू टीवी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बड़ा बयान दिया है कि हमें एक बार संसद भेजिए, संसद में हमें मौका दीजिए, इतिहास बदल देंगे, ऐसा इनका